Good morning dear students. My today's topic is chapter first Lara Steadybear Lara Steadybear from Moral Science book. Let's begin. You love your parents very much. You also care a lot for your uh, siblings, even your pet dog or cat. Maybe even your favourite toy. So how would you show them that you care. What would you do? Read the story to see how a girl surprised her teddy bear. Leo was Lara's teddy bear. He had been her favorite toy since she was a little girl. When she was younger, she would never go anywhere without Leo.

कहीं भी कभी भी कहीं भी जाती थी तो वो टर्डी बियर के साथ जाती थी वह एक निरंतर बचपन का साथी था वह हमेशा अपने टर्डी बियर के साथ अपनी बांह के नीचे टकराती हुई देखी जाती थी और उसके साथ ही जाती थी इस तरह से उन्होंने एक ख़ुशी से भरा तस्वीर बनाया but lara was growing up now school and friends were taking up her time she participated actively in school activities and had also developed a keen interest in basketball she had less time to spend with the leo now no more was leo a permanent feature with lara often he could be seen on lara's chair alone लेकिन लारा बड़ी हो रही थी स्कूल और फ्रेंड्स में स्कूल और फ्रेंड्स उसका सारा समय ले रहे थे वह स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी और बास्केटबॉल में गहरी रुचि भी विकसित की थी अब लियो के साथ समय बिताने के लिए उसके पास समय कम था कोई और अधिक लारा के साथ एक साथ एक स्थायी विशेषता नहीं थी अक्सर उन्हें लारा की कुर्सी पर अकेले देखा जा सकता था मूव लियो लव टू बी यूजफुल बट नाउ ही फेल्ड ही वॉज ऑफ नो यूज एट ऑल ही ऑफ एंड वॉन्डर्ड वॉट वुड हैपन टू हीम वंस लारा लारा ग्री ओल्डर मे बी सी वुड जस्ट की भीम अवे दिस थॉट मेड लियो वेरी सैड लियो को उपयोगी होना पसंद था लेकिन उसे लगा कि वह कोई काम का नहीं है वह अक्सर सोचता था कि वह लारा के बड़े होने के बाद उसके साथ ऐसा होगा शायद वह उसे दे देगी यह सोचकर वह वरीड रहता था चिंतित रहता सॉरी यह सोचकर वह उदास रहता था as he sat alone on lara's chair the tears ready to flow down his cheeks he thought I am of no use in the world. Lara has new friends now, and soon she will not even remember that I am here. जैसे कि लारा जैसे कि लारा की कुर्सी पर वह अकेला बैठा था ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके आंखों से आंसू नीचे गले की ओर गिरने के लिए तैयार है उसने सोचा मैं दुनिया में कोई भी काम का नहीं हूं लारा के अब न्यू फ्रेंड्स बन गए थे और इसलिए जल्दी वो सोचता है कि अब मुझे वो जल्दी याद भी नहीं करेगी कि मैं यहाँ हूँ सुन विंटर अराइट And Leo could see snowflakes outside the window of Lara's room as as he looked out of the window, he noticed Lara looking at him very closely. She seemed to be deep in thought, and the thought of what might be going on in her in her mind worried Leo Jehi Sardioka Agmanhua, or leo. लारा के विंडो से बाहर बर्फ़ की बर्फ के टुकड़े को देख सकता था उसने विंडो से बाहर देखा वह नोटिस किया कि लारा उसे बहुत ही करीब से देख रही है उसने देखा कि वह गहरा गह, गहरा विचार कर रही है और उसके दिमाग में क्या हो सकता है यह सोचकर वह वरिड हो जाता है कौन लियो द नेक्स्ट डे लारा आस्क हर मदर फॉर एन ओल्ड शॉल सी चूज एन ओल्ड रेड वन सी देन ओपन हर लिटिल बॉक्स ऑफ ट्रिंकेट्स एंड टुक आउट साटेन रिबन एंड ट्रिंकेट्स टू डेकोरेट लियोज बो बो मीन्स क्या होता है जो टेडी बियर का एक गहना जो गले के नीचे बंधा हुआ होता है वही बो कहलाता है ठीक है अगले दिन लारा अपनी माँ से पुरानी शॉल मांगी उसमें से वह एक पुरानी लाल शॉल चूज करती है उसके बाद ट्रिंकेट्स के छोटे बॉक्स को खोलती है और उसमें से सजाने के लिए साटन रिबन और ट्रिंकेट से लियो का बॉ तैयार करती है सजाती है से स्क्यूट एंड डेकोरेटेड अ बो ऑन टू द रेड सॉल एंड यूज द साट एंड रिबंस टू मेक अ स्ट्रिंग उसने लाल रंग के सॉल से बो बना करो को सजाया और साट एंड रिबन के मदद से वो स्ट्रिंग तैयार करती है इस्तेमाल करके उसका स्ट्रिंग बनाती है ठीक है साट एंड रिबन से न्यूर एव लियो कुर दिन सकता था कि परिवार एंड चैटिंग कर रहे हैं ओह एवरी वन हैज फॉर गटन मी साइड लियो लियो आह्वान करते हुए कहता है कि ओह oh, मुझे आ, मुझे भूल गए हैं सब लोग मुझे भूल गए हैं बट ही वॉज इन सरप्राइज इन फॉर अ सरप्राइज लेकिन वह आश्चर्य में था लारा वॉकड इन इन टू हर रूम एंड पिक हिम अप सी टूक हिम टू द लिविंग लिविंग रूम लारा अपने कमरे में चली गई और उसे उठाया वह उसे लिविंग रूम में ले गई आई हैव अ गिफ्ट फॉर माई चाइल्ड हुड फ्रेंड्स अनाउंसड मेरे पास अपने बचपन के साथी के लिए एक गिफ्ट है लारा ऐसा घोषणा करती हैप्पी न्यू ईयर लियो हेयर इज समथिंग टू कीप यू वो अब बोलती है लियो को हैप्पी न्यू ईयर लियो यहाँ तुम्हे गर्म रखने के लिए कुछ है सी फोल्डेड द रेड सॉल अराउंड लियो एंड टाइड इट अंडर हिज चीन लारा रेड सॉल फोल्ड कर लियो के चिन के नीचे बांध देती है एवरी वन एप्रिसिएटेड लियोज न्यू सॉल लियो फेल्ड सो कंटेंट एंड वॉम

उसकी आँखों को को चकाचौंध कर देता है, है। जो उसके अंदर के आनंद को दर्शाता लियोवोस्ट लारा एंड हर फैमिली चैट टुगेदर ऑल इवनिंग एंड ऑल टाइम लारा टग अंडर द आर्म लियो पूरी शाम लारा को उसके परिवार को एक साथ चैट करते देखता है और हर समय लारा उसे अपनी बांह के नीचे दबाए रखती है लियो अंडरस्टूड डेट ही हैड बीन मिसटेक इन ऑल दिस टाइम एज लारा ग्रू सी वुड हैव अदर थिंग्स टू डू बट सी वुड ऑलवेज हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिम लियो समझ गया था कि वह इस समय गलत था जैसे जैसे लारा बढ़ती गई उसके पास अन्य चीज़ें भी करने को होती जाएंगी लेकिन उसे हमेशा उस उसे हमेशा बहुत प्यार मिलता रहेगा नो मैटर हाउ टाइम चेंज्ड ही वुड ऑलवेज बी हर चाइल्ड हुड फ्रेंड समथिंग चेयर एंड टू होल्ड डियर कोई फर्क नहीं पड़ता समय बदलने से वह हमेशा उसका बचपन का दोस्त होगा इसलिए हमें फ्रेंड्स को एक ट्रीज़र की तरह वैल्यूएबल समझना चाहिए नाउ थैंक्स